ज्ञानं जनशलाकया चक्षून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम ना अभिनंदि ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो स्थित प्रज्ञा सुखा भाषा, दैट वॉज द क्वेश्चन। अर्जुन जानना चाहते थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वन हु इज धीर, वन हु इज डिटरमिंड टू एक्सेल इन स्पिरिचुअल लाइफ, गो बैक टू गॉड, एट जो भगवान के धाम में वापस चला जाना चाहता है, हाँ, तो उसकी क्या लक्षण हैं। तो भगवान ने कुछ चीज़ें भगवान बता रहे हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हमने सुना कि जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है, किसी के गुरु के संरक्षण में रहता है कह सकते हैं, और जो जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों से विचलित नहीं हो जाता। हम अब बता रहे हैं कि जो सुख में और दुख में, भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। तो ज्ञान किसको कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न। तो पहला तो ये कि ज्ञान है क्या। जैसे हम आजकल अक्सर चर्चा करते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से कि हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार देवा, बट वट इज़ दैट अज्ञानता। क्या ए बी सी डी और वट एवर मैथमेटिक्स 2+ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन्स, क्या ये ज्ञान है, क्या ये हम अंधकार से दूर भगाता है? तो आंसर आएगा, अगर आप डीपली सोचेंगे, नहीं, क्योंकि हमें जन्म मृत्यु बीमारियां बुढ़ापा इससे दूर नहीं भगा पाता ये वाला ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, जो हमें वास्तविक दुखों से दूर करे, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या नहीं कि खाना पानी एक्चुअली में, या वट एवर ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, और जैसे ज़्यादा आदमी बूढ़ा होता है उसकी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और अचानक से वो कभी भी मर सकता है, एक्सीडेंट से भी, बीमारियों से भी, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है। तो ये है, इसको अंधकार कह सकते हैं आप वास्तव में। तो इस अंधकार से उजाला, इसका कोई सोल्यूशन भी है क्या? शास्त्र बताते हैं इसका सोल्यूशन है। इंसान ने ऐसा मान लिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जस्ट ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट, इग्नोर इट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। शास्त्र बताते हैं इसका सोल्यूशन है। जो व्यक्ति कहता है इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब अंधकार में है, उसको नॉलेज नहीं है। जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देर इज़ नथिंग लाइक गॉड, देर इज़ नथिंग लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भी है सब यहीं पर है, यहीं हमारे आंखों के सामने है। अगर यहीं सब कुछ है तो आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है और कहाँ से पेट में घुस जाता है? ये सब ना जानने के कारण, इग्नोर करने के कारण, हमारी
लिमिटेड नॉलेज के कारण है वास्तव में। जैसे कि आज मैं सोच रहा था, बैठे बैठे अचानक से विचार दिमाग में आया कि हम कार चलाते हैं और कार में डेंट पड़ जाता है, कार थोड़ी सी दब गई, उसमें खरोंच आ गई। अगर उसको आप 4 साल तक भी रख देंगे, उसको पट्टी बांध के रख दीजिए, कार में पट्टी बांध दीजिए, एक मल्हम लगाइए, पट्टी बांध दीजिए, कितने साल में उसका डेंट चला जाएगा और वो घाव भर जाएगा। हाँ, और हम देखते हैं कि हमारे स्किन में गड्ढा भी हो जाता है, डॉक्टर उसमें दवाई डाल के रुई भर के उसको पट्टी कर देता है, और हम देखते हैं धीरे 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 वो, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप वहाँ पर सब चीज़ें जुड़ी जड़ी, जो भी नसें कटी थी समझ लीजिए वो जुड़ी, त्वचा आई, घाव भर गया, थोड़े दिनों में गायब। तो ये सोचने की बात है सारी, अगर सोचो तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे आदमी चला जाता है मरने के बाद, कौन चला गया और कहाँ चला गया। आप तो कह रहे हैं यही संसार है, तो यहीं दिखना चाहिए ना सब कुछ, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ से पेट में घुसा, कौन सी जगह में रहा। तो वही क्वेश्चन आया था, फिर ये कुत्ता कौन है ये बिल्ली कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो कुत्ते ही बनते हैं। कुछ धर्मों में ऐसा बताया जाता है कि कुत्ते की योनियों वाले कुत्ते ही बनते हैं। हाँ, ये हम सीरियसली बता रहे हैं आपको, आई वॉज सरप्राइज टू हियर, बड़े एक बहुत बड़े तरीके से इसको पढ़ाया जाता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, कुत्ता कुत्ता ही बनता है, इसे डोंट वरी। हाँ, लेकिन ऐसा देखने से लगता नहीं है, क्योंकि कुत्ते के अंदर वही इमोशंस देखते हैं अपने बच्चे के लिए। हाँ, एक बिच जो है, अगर जब वो बच्चा पैदा करती है, आप उसके पास भी नहीं जा सकते, वो इतनी अटैच होती है और प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चों के लिए कि उसको फाड़ देगी आपको। एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट मैनी डेवलप्ड एनिमल्स, चाहे गाय हैं चाहे हाथी है, नॉट फॉर इंसेक्ट्स ऑब्वियसली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके अंदर भी आत्मा है, तो देर इज़ समथिंग आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज़ ज्ञान। ये जो देह का ज्ञान है कि टाई कैसे लगानी है, पैंट कैसे पहनी है, कमीज कैसे पहनी है, साबुन कैसे लगाना है, शैम्पू कैसे लगाना है, खाने को फोक से कैसे खाना है, दिस इज़ मटेरियल नॉलेज, दैट इज़ नॉट द ज्ञान जो हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमया। ये ज्ञान जो हम शारदा मात से या देवी से मांगते हैं, दैट इज़ नॉट दिस नॉलेज, बट हम सोच के यही मांग रहे हैं, हम स्कूलों कॉलेज में इसी पढ़ाई के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, बट ज्ञान इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ज्ञान क्या है जो हमें आत्मा और शरीर में भिन्नता बताए, वो ज्ञान है। और उसके आगे की बहुत सारी चीज़ें ज्ञान है, कि आत्मा किसका अंश है, ये आत्मा कहाँ से आई है, इस आत्मा का कार्य क्या है इस संसार के अंदर। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा हाँ कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, क्यों बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, पूर्ण ज्ञान में कौन स्थिर है, जो इस भौतिक जगत में होने वाले लाभ या हानि से, लाभ से हर्षित नहीं होता, हानि से घृणा नहीं करता, वो ज्ञान में स्थित है। वही बात आ गई, ज्ञान इसका मतलब कुछ और है, क्योंकि हम तो इस संसार में, यदि हमारी हमारी टॉप रैंक आ जाए IIT में, CA में, हाँ, तो हम सोचते हैं आज मैं ऊपर जमाना नीचे, हम बड़े हर्षित हो जाते हैं, हाँ, एक्साइटेड हो जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि वो ज्ञान में इसका मतलब स्थिर नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो गया, वो सोच रहा है ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया मेरी लाइफ में। और हम देखते हैं IIT की डिग्री प्राप्त करने के बाद लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कर रहे हैं। तो क्या वो गलत था या ये गलत था, हुआ क्या आखिर में। तो ये सब रिलेटिवली हमें लगता है कि आज हम हर्षित हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्ति ज्ञान में स्थिर नहीं है। हम क्योंकि अक्सर हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। आज हम विवाह हमने किया, विवाह के दिन आदमी कितना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि लाखों नहीं, अब तो नंबर करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों खर्च कर देता है एक ही दिन में, फूंक देता है उस दिन। हाँ, और थोड़े ही दिनों में लड़की घर में वापस आती है, डिवोर्स हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है कि नहीं। आज हम हर्षित हुए थे, अभी थोड़े ही दिन हुए और आज हम दुखी हो गए। तो शुभ की प्राप्ति से वो व्यक्ति जो हर्षित हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, क्योंकि ये मैटीरियल गेन्स हैं। आप सोचिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब इसका दूसरा पहलू जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको, जब दूसरा पहलू देखते हैं तो लगता है हाँ दूसरा पहलू गंदा भी है। कई बार मैं, जैसे हमारी प्रमोशन हुई, हमारी सैलरी बढ़ी, तो वी आर वेरी हैप्पी, सैलरी बढ़ गई, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और फिर अगर जॉब चली गई, कई बार ऐसा हमने देखा कि आदमी की सैलरी बढ़ती गई बढ़ती गई, जॉब स्विच करी, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि वो कहीं और जॉब करने लायक नहीं रहा, कि कौन उसको इतनी सैलरी देगा, अब सैलरी कम हो नहीं सकती। जो भी आदमी जहाँ पे भी जाएगा वो सोचेगा यार कम सैलरी में कैसे ले लें, भाग जाएगा 2 दिन वहीं। कई बार बड़ी सैलरीज प्रॉब्लम बन जाती है आज के डेट में, जब इतनी फायरिंग होती है, और छोटी वाली सैलरी वाली को कहीं पर भी नौकरी मिल जाती है। तो एक डिफरेंट तरीके से सोचेंगे तो कई सारे पहलू नज़र आते हैं हर चीज़ के।
कई बार लगता है ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब रोज़ सवेरे चेहरा देखते हैं, लेकिन उसी चेहरे के पीछे कितने दीवाने हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी ने एसिड फेंक दिया जल के मारे, तू मेरी नहीं हुई तो तेरे को किसी की नहीं होने दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल अट्रैक्शन। तो क्या ये फिजिकल अट्रैक्शन मेरा शुभ था या अशुभ था? बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे का पैदा होना, वी आर वेरी एलिवेटेड, घर में बच्चा आया है, बड़े खुश हैं, बच्चा आया है, बच्चा आया, बच्चा आया, बट हु नोज कि वो बच्चा हमारे जीवन में सुख लाएगा, हर्ष लाएगा या शोक लाएगा। और यही कहानी आती है चित्रकेतु महाराज के जीवन में, कि वो बच्चा खुशी लेके आता है, लेकिन वो बच्चा चला जाता है थोड़े समय बाद, और बहुत बड़ा शोक लेके आता है, नहीं तो कई बार बच्चा वेन जैसा भी पैदा हो जाता है। और कई बार अच्छा भी हो सकता है प्रहलाद महाराज जैसा, लेकिन अच्छा बच्चा अपने बाप के लिए, हिरण्यकश्यपु के लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो वास्तव में क्या शुभ है, क्या अशुभ है, वेरी डिफिकल्ट टू से इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ल्ड क्या है, इट्स इट्स काइंड ऑफ एन इल्यूजन, इट्स अ टेम्प्ररी थिंग। जैसे कि एक प्ले के अंदर कि कोई चीज़ हो जाना या कोई चीज़ नहीं हो जाना, हम लोग प्ले में एक्टिंग कर सकते हैं खुश होने की या दुखी होने की, लेकिन अंदर से हम सबको पता है कि ये तो प्ले है ना। इसलिए ये समझना पड़ेगा आपको, इस संसार में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ध्यान से सुनिए, एक जेल के अंदर अगर सब कुछ अच्छा कर दिया जाएगा तो वो जेल कैसे कहलाएगी? इसलिए वो डिज़ाइन ही ऐसे। अगर इस जेल में कोई लिबरेटेड सोल हो तो लिबरेटेड सोल के साथ भी एक्सेप्शन नहीं है सच में, क्योंकि जितने भी लिबरेटेड इस माना इस जीवन में हम साधना सिद्ध हो गए, हमने साधना से अपने आप को लिबरेट कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा, फिर भी हमारे जीवन में मृत्यु, लिबरेटेड सोल भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं एटलीस्ट लास्ट टाइम, है ना। तो इस प्रकार से इस संसार में इस दुख का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्या फिर इस संसार के अंदर शुभ है? हम कहते हैं अंत भला तो सब भला, इस संसार का अंत तो मृत्यु है। हाँ सबका एक ही अंत है इस संसार के अंदर, और वो है मृत्यु। अब सोचिए, जिसका अंत बुरा तो सब बुरा। तो हमारा देखा जाए तो हमारा अंत भी बुरा है और हमारी शुरुआत भी बुरी है। शुरुआत क्या है हमारी? किसी माँ के पेट के अंदर हम बड़ी मुसीबत में जीते हैं, किसी तरह से बाहर आते हैं। हाँ, चाहे वो अंडे से बाहर आए, चाहे वूम से बाहर आए, इट्स अ मिजरेबल कंडीशन। सो हमारा जन्म भी मिजरेबल है बिगनिंग, और एंड मृत्यु भी मिजरेबल है, और बीच में तो मिजरीज का भंडार है। अब सोचिए कि वास्तव में संसार में कुछ भी शुभ नहीं है, क्योंकि ये अशुभ जगह है। लेकिन इस अशुभ जगह में भी यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं और जीवन को उनके लिए जीते हैं, तो वो टेम्परेरी लाइफ को हम शुभ बना सकते हैं। तो इस संसार में एक ही चीज़ शुभ है, हाँ वास्तव में वो है भगवान, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला। हाँ, और जितने समय तक वो हमारे साथ हैं इनमें से किसी भी रूप में, तब तक वो समय शुभ है। उसके अलावा सब कुछ अशुभ है वास्तव में। हमें लगता है मैं बहुत बड़ा पैसा एक वरदान है। हर आदमी पैसा कमाने के चक्कर में पागल है। हमें कितनी कहानियाँ ऐसी पता हैं, हमारे नॉन नॉन लोगों के अंदर ऐसा हुआ है कि पैसे के चक्कर में बच्चे को किडनैप कर लिया, उस आदमी को किडनैप कर लिया, बच्चे को मार दिया, आदमी को मार दिया, और क्या क्या हो गया। तो पैसा, वो पैसा वरदान है या अभिशाप है? उस पैसे के खो जाने का भय हमारे हृदय में हमेशा बना रहता है, इसलिए बहुत सारे डिप्रेशंस हो जाते हैं हमें, हाँ टेंशन हो जाती है हमें। तो क्या ये शुभ है? अवंती ब्राह्मण के पास बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे के कारण उसके बच्चों ने उसका खून पी दिया। हाँ, सरकार ने धोखा दिया, बच्चों ने धोखा दिया, और वो सड़क पर आ गया, और उसको रियलाइज हुआ ये वास्तव में क्या ये सुख है ना। तो इस प्रकार से सब क्या शुभ है, क्या शुभ है, ये सब एक नज़रिया है देखने का, और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर बेटर है ना कि हम पॉजिटिवली हर चीज़ को देखें। हाँ, तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, नॉट ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्टिक, बट रियलिस्टिक। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखिए, पॉजिटिव बी, पॉजिटिव बी, पॉजिटिव कैसे? व्हेन वी नो दैट अंत अंत बुरा और बिगिनिंग बुरी, तो क्या पॉजिटिव सोचें? बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मोरोस हो जाएं और नेगेटिव हो जाएं और पेसिमिस्टिक। इसलिए वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि अब हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं, अब हम करें क्या। ये है इंटेलिजेंट थिंकिंग, ये है रियलिस्टिक, बींग रियलिस्टिक। तो ये हमें सोचना है, हम गड्ढे में गिर चुके हैं,
अब हमें सोचना गड्ढे से निकले कैसे, अब गड्ढे में कैसे गिरे हाँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे गिरे या इस गड्ढे को कैसे सुखाल बना दें वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गड्ढा में मरेगा ही, कितने दिन गड्ढे में रहेगा, जेल के अंदर एसी लगा देगा, क्या क्या लगाएगा, बट इम्पोर्टेंट कि जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। हाँ इसलिए ये बता रहे हैं कि जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर, वास्तव में वही ज्ञानी है। हाँ अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाई कराई जा रही है, यदि नहीं तो क्वेश्चन है क्या वास्तव में हम कह सकते हैं कि वी आर लिटरेट और आर वी बिकमिंग इलिटरेट। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।